हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी अपने आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि हम अपने आधार कार्ड को ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। सबसे पहले यहाँ पे आप फोन में सबसे पहले अपना ब्राउजर जो है उसे खोल लीजिए। यहाँ पे हम क्रोम ब्राउजर ओपन कर रहे हैं, तो आपको ये क्रोम ओपन करना है और यहाँ पे ऊपर सर्च में आपको टाइप करना है uidai.gov.in। UIDAI जैसे आप लिखेंगे ऊपर में आपका ये वेबसाइट शो हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे सामने जो है UIDAI का वेबसाइट यहाँ पे खुल जाता है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा नीचे जाना है, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे गेट आधार में, गेट आधार के टैब में यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा डाउनलोड आधार। चलिए इस डाउनलोड आधार पे हम क्लिक करते हैं और ये इस तरह से कुछ पेज खुल जाता है, डाउनलोड का पेज यहाँ पे खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप तीन तरीकों के मदद से अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला तो है आधार नंबर, आप आधार नंबर की सहायता से डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर दूसरा है इनरोलमेंट नंबर और फिर तीसरा है वर्चुअल आईडी। अगर आपके पास वर्चुअल नंबर भी है आधार कार्ड तो उससे भी आप हो सकता है। आधार नंबर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम अपने आधार नंबर की सहायता से डाउनलोड करेंगे और नीचे आपका 12 डिजिट का आधार नंबर यहाँ पे हमें डालना है। चलिए यहाँ पे हम अपना आधार नंबर डाल देते हैं, यहाँ पे हम अपना आधार नंबर डाल देते हैं। और उसके बाद अब यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है आई वॉन्ट टू मास्क आधार। यहाँ पे अगर आप अपने आधार नंबर को छुपाना चाहते हैं तो आप इसे टिक कर सकते हैं। आपके आधार का 4 अंक दिखेगा और बाकी का जो होगा वो XX दिखेगा। तो इस तरह से आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसे टिक कर सकते हैं और फिर आपका आधार नंबर छुप जाएगा। फिलहाल हम इसे छोड़ देते हैं और नीचे है एक कैप्चा कोड। अब यहाँ पे ऊपर में जो नीचे कैप्चा दिया हुआ है वो हमें यहाँ पे डालना है। चलिए कैप्चा डाल देते हैं और अब नीचे सेंड OTP पे हमें क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा गया है और वो OTP हमें यहाँ पे कंफर्म करना है। आपको ध्यान देना है कि जब आपने आधार कार्ड बनवाया होगा, जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पर एक OTP जाता है 6 डिजिट का, वो हमें यहाँ पे डालना पड़ता है। चलिए देख लेते हैं कि ये OTP किस तरह से आपके पास आता है। मैसेज पे जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये OTP हमारे पास इस तरह से आया है और ये OTP जो है यहाँ पे दिया हुआ है और ये मात्र 10 मिनट के लिए वैलिड है। 10 मिनट के अंदर अंदर हमें जो है इसे इस्तेमाल करना होगा। चलिए फटाफट से वापस से जाते हैं क्रोम पे और यहाँ पे हम अपना OTP डाल देते हैं। OTP डालने के बाद यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको सर्वे एक कंप्लीट करना है। यहाँ पे ये आपको सर्वे छोड़ना नहीं है, ये आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 सवाल है तो इसके हमें जो है आंसर जल्दी जल्दी से करना है। यहाँ पे सबसे पहले तो है कि आपका आधार कार्ड जो है कब इनरोल हुआ है, कब बना है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं मोर देन 3 मंथ बैक और फिर नीचे आते हैं। यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे सर्वे है, यहाँ पे आपको सारे जो है पढ़ के यहाँ पे उसके आंसर करने हैं। चलिए फटाफट से इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। यस करते हैं और है फिर हैव यू एवर अपडेट योर एड्रेस, नो। और ये है एक्सपीरियंस पूछ रहा है तो यहाँ पे हमने जो है ट्राई नहीं किया है तो यहाँ पे हमने नीचे वाला सेलेक्ट कर लिया। ये पूछ रहा है कि आपको पता कैसे चला, यस पे क्लिक करते हैं। हम यहाँ पे सोशल मीडिया सेलेक्ट करते हैं, रीप्रिंट का जो है इसका फीडबैक मांग रहा है तो यहाँ पे हम गुड कर देते हैं। और सारे जो है आपको भरने के बाद वेरीफाई एंड डाउनलोड पे आपको नीचे क्लिक करना है। और ये आप देख सकते हैं ये हमारा आधार कार्ड इधर डाउनलोड हो गया है और अपने आप से यहाँ पे खुल भी गया है और पासवर्ड पूछ रहा है। तो पासवर्ड भी इसका जो है, पासवर्ड का भी मेथड चेंज हो गया है, यहाँ पे पासवर्ड भी सबका चेंज हो चुका है। तो पासवर्ड जो है पहले क्या होता था, पिन कोड से पासवर्ड से खुल जाता था, लेकिन अभी जो है पासवर्ड का चेंज हो गया है। चलिए आपको दिखा देते हैं इसमें आपको क्या पासवर्ड डालना है।
यहाँ पे आप देखेंगे वेबसाइट के नीचे यहाँ पे पासवर्ड जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको किस तरह से पासवर्ड डालना है। ये जो पासवर्ड है इसमें आपका नेम और आपके डेट ऑफ बर्थ का ईयर डालना है। नेम का आपको फर्स्ट 4 अंक ही डालना है, पहला 4 अंक ही आपको अपने नेम का डालना है, और उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ का साल डालना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अनीस है, तो अनीस का ANIS सभी बड़े अक्षरों में और डेट ऑफ बर्थ का ईयर ये हमें डालना है। चलिए यहाँ पे हम ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मेरा सनोज नाम है, तो यहाँ पे SANO सभी जो है कैपिटल लेटर में लिखना है, SANO, और यहाँ पे हम अपना डेट ऑफ बर्थ का ईयर डाल देते हैं। और डालने के बाद ओपन करते हैं, और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा आधार कार्ड जो है इधर ओपन हो गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से जो है हमने अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर लिया है। ऐसे और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं और भी मज़ेदार वीडियो देख सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। यूजर आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट में आप हमें लिख के बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।